नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है तो आप उसका उत्तर देंगे, पैसा। और लाजमी है आपका उत्तर, क्योंकि वर्तमान का जो समय चल रहा है कलयुग का समय, कलयुग में भौतिक पदार्थों की महिमा है। और भौतिक पदार्थ यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास पैसे का होना आवश्यक है। पैसे के माध्यम से ही इस धरातल पर सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। और पैसा के लिए ही व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन सभी लोगों को एक समान पैसा प्राप्त नहीं होता। इसका कारण होता है उनका भाग्य। जिसके भाग्य में जितना पैसा होता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जितने भौतिक वस्तुओं को लिखा जा चुका है उन्हीं वस्तुओं को वह प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे संकेत बताए गए हैं जो धन प्राप्ति से पहले हर व्यक्ति को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे ही संकेत के बारे में बताएंगे। यदि आपके घर माता लक्ष्मी आने वाली होती है तो उससे पहले आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर वह कौन कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो यह बताते हैं कि अब माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होने वाला है। माता लक्ष्मी अब करोड़पति बना करके ही छोड़ेगी। इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे ही संकेत बताएंगे। यदि इन 5ों में से कोई भी संकेत आपको प्राप्त होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके अमीर बनने का वक्त आ गया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। इनमें से कोई एक संकेत अगर आपको मिलता है तो समझ जाएं आप बनेंगे करोड़पति। नंबर 1, छिपकली का ऐसी अवस्था में दिखना होता है शुभ। दोस्तों, वैसे तो छिपकली का दिखना नाम बात माना जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छिपकली को देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपकली को अपने घर में घुसने नहीं देते, जबकि कुछ लोग छिपकली को मार देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं बताया गया है। छिपकली को लेकर के हमारे शास्त्रों में कई अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, उन्हीं में से एक संकेत होता है दोस्तों, छिपकली का तुलसी के आसपास घूमते हुए दिखाई देना। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। यदि आपको तुलसी पौधे के आसपास की छिपकली घूमती हुई दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर में प्रवेश करने वाली है। छिपकली का ऐसी अवस्था में दिखाई देना माता लक्ष्मी का आने का संकेत होता है। नंबर 2, अगर सपने में यह चीज दिखाई दे तो समझो कि आप बनोगे धनवान। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सपनों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। स्वप्न शास्त्र में कई ऐसे स्वप्न के बारे में वर्णन देखने को मिलता है जो मालामाल होने से पहले दिखाई देते हैं। वैसे तो स्वप्न देखना एक आम बात माना जाता है और हर दिन कई लोग कई प्रकार के सपने देखते रहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आपको सपने में उल्लू, झाड़ू, शंख, हाथी, सांप और गुलाब का फूल दिखाई देता है तो यह कोई आम स्वप्न नहीं होता है, बल्कि यह माता लक्ष्मी के घर आगमन से पहले का संकेत होता है। यदि आपको सपने में इनमें से कोई भी चीज दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, आप जीवन में तरक्की हासिल करेंगे, अब आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 3, चिड़िया का घोंसला बनाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यदि उनके घर में कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, अपना आशियाना बनाती है, तब उसे वह तोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस धरातल पर रहने वाले मनुष्य को छोड़कर के जितने भी जीव हैं, वह बेजुबान है। उन्हें परेशान कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, यदि आपके घर की दीवारों पर या फिर छत के कोने में चिड़िया घोंसला बनाता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी का घर आगमन से पहले यह एक प्रकार का संकेत होता है। यदि आपके घर में बने हुए घोंसले में चिड़िया अंडे देती है और उसमें बच्चे निकलते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके घर में वृद्धि होने वाली है। नंबर 4, झाड़ू लगाते देखना। दोस्तों, हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई करने लिए झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, इससे घर से बरकत चली जाती है। शास्त्र के मुताबिक यदि सुबह सुबह के समय यदि आपको अपने घर के आसपास कोई झाड़ू लगाते दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 5, पैसा मिलना। यदि आपको रास्ते में कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाए तो ये भी माँ लक्ष्मी के मेहरबान होने के संकेत होता है। यदि पैसे ज्यादा हो तो उसे उसके मालिक को दे देना चाहिए। यदि कोई सिक्का हो तो उसे घर की तिजोरी या पर्स में बरकत के रूप में रख लेना चाहिए। वहीं पैसों का मालिक न मिले तो उन पैसों को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। यदि आपको रास्ते में पड़ा पैसा मिल जाता है और यदि आप उसे ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बरकत होने लगेगी। परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।